के लखीमपुर खीरी में हुई घटना के बाद यूपी की राजनीति में अचानक भूचाल आ गया। बीएसपी नेता सचिन चंद्र मिश्रा लखीमपुर खीरी जाने वाले थे। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी थी। उसके बाद उनके घर के बाहर पुलिस का पहरा कर दिया गया। सतीश चंद्र मिश्रा रात में लखीमपुर निकलने वाले हैं। पुलिस ने सतीश चंद्र मिश्रा के घर के बाहर डेरा डालकर सतीश चंद्र मिश्रा पीड़ित किसानों से मिलने जाने वाले थे लखीमपुर की, जहां लखीमपुर जाने की तैयारी में ही थे। सतीश चंद्र मिश्रा की पुलिस ने घर के बाहर डेरा डालकर उनको नजरबंद कर दिया। देखिए, हम लोगों की पूरी तैयारी थी, हमारे सारे कार्यकर्ता भी हमारे साथ में, सभी लोग इकट्ठा भी हो गए थे। हम लोग अभी निकलने वाले थे, हम निकल भी लिए थे, घर से निकले बाहर, तो बाहर आपने खुद ही देख लिया है कि इन्होंने इतनी फोर्स लगा दी थी, हमको घर से बाहर निकलने नहीं दिया इन्होंने, और कहा कि आप घर के अंदर ही रहिए, बाहर नहीं निकलिए। तो हमने इनसे ये कहा कि आपके पास अगर कोई लिखित आदेश हो तो दीजिए, वरना तो हमको आप नहीं रोक सकते, और हम हमारा जाने का बाहर और लखीमपुर जाने का जो हमारा प्रोग्राम है वो हमारा राइट है, हम घर से बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद इन्होंने कुछ समय मांगा और इन्होंने अभी ला करके हमारे हाथ में जो नोटिस दी है, उस नोटिस पे इन्होंने ये लिखा है कि आप वहां पर ना जाएं, लिखित रूप से इन्होंने एक जारी किया है, और कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, इसलिए हम आपको ही नहीं सभी पॉलिटिकल पार्टीज को रोक रहे हैं वहां जाने से, और उनको वहां इकट्ठा होने नहीं देंगे, इसलिए आप अपने घर पे ही रहें, घर से बाहर ना निकले। एक तरीके से इन लोगों ने हमें जब घर से बाहर निकलने से रोक दिया तो एक ये हाउस अरेस्ट ही कहलाता है, और इसकी और कोई संज्ञा नहीं होती। परंतु लेकिन चूंकि अब इन्होंने लिखित नोटिस दिया है और कानून व्यवस्था की बात की है, और बहुजन समाज पार्टी उस पार्टी में से है जो कि कानून का पालन करने का काम करती है, कानून को तोड़ने का काम हम लोग नहीं करते हैं, और इसीलिए हम लोग इस जो कार्यक्रम अभी हम लोग जा रहे थे इसको हम स्थगित कर रहे हैं, और कल जो है हम लोग इस पे फिर बैठक करेंगे, बैठक करके निर्णय लेंगे, और इस बीच में हम लोग जरूर अपने सभी साथियों से कहेंगे कि आप लोग अपना कानून, अपने कानून व्यवस्था बना के रखें, और कानून को किसी तरीके से तोड़ने का काम ना करें।